Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू, मंदिर प्रणाम। वेरी नाइस क्लास हो। और जो आज का जो ये चैप्टर है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पांचवा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये बताया गया है। यहाँ पे और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, तो थैंक यू फॉर दैट। और हम लोग इसमें भी सीख सकते हैं। हम लोग जैसे यहाँ पे सारे देवताओं का वो जो है, वो जितने भी डेमिगॉड्स है, वो लोग सब प्रेयर्स कर रहे हैं ये। और नॉर्मली जो जैसे अभी हेमांगिनी माता जी भी बोल रही थी डेमिगॉड वर्शिप के बारे में, तो लोग उनको सुप्रीम समझते, लेकिन वो उनका भी प्रार्थना क्या है कि हम आपकी शरण में रहें, आप हमें शक्ति दो। अभी आज का भी श्लोक है, उसमें भी यही कहा गया है कि Kindly give us directions on how we shall act, हमें क्या करना है। तो service is always taking instructions. अगर हमें कोई सेवा करना है, it is taking instructions. और उसमें मैं कैसे करूँ सेवा, जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कहीं पर भी सेवा करना है, तो we need to take instructions from the seniors कि ये मैं किस तरह से करूं। और फिर बाद में ये एक पॉइंट था इसमें बोलना था। और जैसे ईगो का भी जो बात निकल रहा है, जैसे तो यह करेक्टली सेड कि 100% ईगो, क्योंकि नॉट ओनली विद नॉन डिवोटीज, इवन विद डिवोटीज, मतलब ऐसा होता है कि मतलब लेक्चर तो बड़ा बड़ा होता है, टॉक बिग, लेकिन अपने एक्शंस में नहीं होता वो, इट नेवर कम्स इनटू आवर एक्शंस। सो दैट ब्रिंगिंग दैट इनटू आवर एक्शंस इज इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट चलो ठीक है, मतलब जैसे सूरत माधव प्रभु वो बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, तो एटलीस्ट चलो बोलना तो शुरू करो, एटलीस्ट सम डे यू विल रियलाइज कि मुझे ये काम करना है करके। तो या वी होप हम लोग ऐसी रूपा जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हम लोग जो है धीरे धीरे जो इम्प्यूरिटी है हमारा ये निकल जाए एंड वी बिकम बेटर डिवोटीज। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। आई थिंक बाकी दूसरे स्पीकर नहीं है, सूरत प्रभु नहीं, तो वी कैन, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग सूरत माधव, वी कैन ऐड। हरे कृष्णा। नो नो प्रभु, एक्चुअली जैसे सेवा आपने कहा था कि लाइक एवरी सेवा प्रभु मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार जब मायापुर का टेंपल बन रहा था, तो उनको इंचार्ज रखा गया था, मतलब पूरा देखरेख का, मतलब कंस्ट्रक्शन के साइड पे। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद पूरा दिन में कितने ट्रक आए, कितना सीमेंट आया, ये सब कर रहा हूँ और मेरा साधना कर ही नहीं पा रहा हूँ प्रभुपाद, मैं मतलब मुझसे नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद ने उनको फिर डांटा कि व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस सेवा इज डिफरेंट, मतलब फ्रॉम, मतलब ये सेवा कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। बिल्डिंग माय टेंपल एंड चैंटिंग हरे कृष्णा इट्स वन एंड द सेम। तो तुम ये जब कर रहे हो, ये कृष्णा का मतलब कितने सीमेंट आए, कितना ये, अगर तुम नहीं करेगे तो कौन करेगा। तो मतलब कभी कभी हमको लगता है कि डिफरेंशिएट करते हैं सेवा में, कि हमको लगता है कि साधना ये सब रीडिंग यही सेवा है, बाकी सब सेवा नहीं है। बट देन प्रभुपाद हमको थ्रू दिस इंसिडेंट पता चलता है एवरीथिंग इज सेवा टू कृष्णा ओनली। तो वी शुड नॉट फील कि मैं अगर जपा कर रहा हूँ तो कृष्णा कॉन्शियस हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ कृष्णा कॉन्शियस हूँ, बाकी सब जो है उससे उतना फायदा नहीं। एवरीथिंग
वी शुड डू यस प्रभु हरे कृष्णा जन सिंह करेक्ट होगा वंडरफुल सेड कि जैसे तमाल कृष्ण महाराज जो थे बट माय पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू मेक वाज कि तमाल कृष्ण महाराज यूज्ड टू टेक इंस्ट्रक्शंस एंड ही यूज्ड टू डू द सेवा ऐसा नहीं अपने मन से नहीं नहीं ये इधर करो नहीं नहीं ये उधर करो ऐसे नहीं सो इवन द इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग द टेम्पल वॉज गिवन बाय प्रभुपाद इवन बेटी का वो जो पोज है राधा रानी का वो पोज कैसे होना चाहिए प्रभुपाद फिजिकली स्टूड एंड शोड देम सो सेवा मीन्स इंस्ट्रक्शंस फिर वो भले कुछ भी हो वट एवर यू डू सेवा बट इट शुड बी अंडर गाइडेंस एंड नॉट एज पर अभी जैसे हम लोग भक्ति शास्त्र में भी मधुसूदन प्रभु बोलते थे ना कि ड्यूटी मीन्स ड्यूटी इज गिवन टू अस इट्स नॉट चूजन मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगा तो सेवा इज ऑल्सो लाइक सेवा इज ऑल्सो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस नॉट क्रिएटिंग अवर ओन मैं ये नहीं करूंगा मैं वो करूंगा जैसे सम पीपल माइट से नहीं मेरे को क्लीनिंग नहीं करना है मैं खाली बेटी वर्षिप ही करूंगा मैं दूसरा कुछ सेवा नहीं करूंगा आई थिंक दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज रॉन्ग सो इट मीन्स यू नीड टू टेक इंस्ट्रक्शन मुझे क्या करना है एंड फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन एंड देन यू विल सी दैट देयर इज ऑटोमेटिक प्रोग्रेस सो दैट जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट सो थैंक यू सूरत माधव प्रभु एंड और किसी का कोई प्रश्न नहीं है कोई कमेंट नहीं है तो आई थिंक यस मंजेश्वरी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम बहुत सुंदर क्लास था आपका और जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये 14 भुवन जो है वो भी एक कारावासी है वैसे इसीलिए जो भी भगवद गीता में एक श्लोक है मुझे याद नहीं आ रहा है जो भी देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है पितरों की पूजा करता है पितृलोक में जाता है और जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान के लोक में जाता है तो इसलिए ऐसे जो देवता है उन्हें जो अभी आपने कहा कि उन्हें भगवान ने एक कार्य दिया है जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी को प्रभुपाद जी ने दिया था कि आप ये मंदिर का कार्य करना है वही सेवा है ऐसी देवी देवता जो है उन्हें ये भगवान का कार्य करते हैं तो इसलिए उन्हें भक्ति नहीं मिलती इसलिए जब हमने भागवतम के स्टार्टिंग में देखा था प्रथम स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी जी कथा चालू करने लगते हैं भागवतम की परीक्षित महाराज को सुनाने के लिए तभी सब देवी देवता अमृत का कलश लेके आते हैं और कहते हैं कि आप ये कलश अमृत दे दो और ये कथा हमें सुनाओ फिर भी वो नहीं सुनाते मतलब उन्हें वो इतने सेवा में बिजी रहते हैं ये लोग कि उन्हें भक्ति करना नहीं मिलता है तो हम कितने लकी है मनुष्य की हम मनुष्य शरीर मिलता है तो हम भक्ति कर सकते हैं और वो देवता होने के बावजूद मतलब उन्हें हमसे ज्यादा बड़ी पोजिशन है फिर भी उन्हें ये सब नहीं मिलता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी ये बहुत सुंदर पॉइंट आपने बताया माता जी बहुत सुंदर पॉइंट मतलब इसके ऊपर हम सोच तो बहुत मतलब गहराई से सोच सकते हैं सिंपल बट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थैंक यू सो मच माता जी थैंक यू हरे कृष्णा गुरुमंत्र या हरे कृष्णा वही अभी जब सेवा का बात चल रहे हैं तो वी कैन रिमेम्बर वन पर्सनैलिटी और उनका नाम नहीं ले तो इट विल बी रॉन्ग जैसे जयानंद प्रभु तो जयानंद प्रभु का सेवा क्या है वी ऑल नो He used to clean the toilet. And Prabhupada उनको खुद बुलाते थे और उनको एक बार उन्होंने अपने हाथ से प्रसाद भी खिलाया था तो सेवा इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज अंडर द इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं उन्होंने ये नहीं बोला ऑल्दो ही वॉज द टेम्पल प्रेसिडेंट वो ये नहीं बोले कि मैं टेम्पल वर्शिप करूँगा या मैं ये संभालूंगा वो सही उनको बोलते थे वो इतना बड़े पोस्ट पे जाने के बाद में भी वो टॉयलेट क्लीनिंग करते थे And Prabhupada was happy with that. And Prabhupada always said that. इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो deity worship कर रहा है is at a higher level और जो toilet clean कर रहा है is lower level. नहीं. पर Krishna all sevas are same. And वो गिलहरी का example से भी हम लोग रामायण का अगेन अगेन पीछे राम कथा है तो you can connect that squirrel
एंड हर सेवा वॉज अप्रूव्ड बाय लॉर्ड, सो वी शुड हैव दैट एटीट्यूड, सेवा करना है, टेक इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो दैट. हरे कृष्णा. एंड प्रभु जयानंद प्रभु, मतलब इन सर्विस में उनको बहुत आनंद आता था, मतलब यूज टू फील हैप्पी डूइंग दिस. सो वो एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स शेयर किया, थैंक यू. सही में जयानंद प्रभु की जय. और आज तक उनको रथ यात्रा में हम लोग जिनका जो फोटो है हम कीप, रथ यात्रा जहाँ पे भी रहता होता है तो हिज फोटो इज कैप्ट. तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ब्लिस भी आता है. बट वेरी नाइसली यू कनेक्टेड दिस पॉइंट. फिर हम अपने मूड से करेंगे, अपने ईगो से करेंगे, मेरे को ये सेवा करना है, तो यू नॉट गेट द ब्लिस. भले फिर वो भगवान का डेटी वर्शिप हो, लेकिन इवन इफ इट इज बट वेरी मीनियल मीनियल सर्विस, दैट विल गिव यू हाईएस्ट प्लेजर बिकॉज यू आर रेसिप्रोकेटिंग विद कृष्णा. हरे कृष्णा. इससे एक जस्ट एक पॉइंट याद है, ऐड करो वो जस्ट एक लेक्चर में सुना था कि एक बार हनुमान जी को एक बुक मिलता है जिसमें भगवान रामचंद्र ने उनके सारे डिवोटी का नाम लिखा है जो उन बहुत उनको प्रिय है. तो हनुमान जी ऐसे देखते हैं, चलो मेरा नाम है कि नहीं देखता हूँ बोल के वो पूरा बुक देखते 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 देखते, लेकिन उनका नाम ही नहीं रहता. तो थोड़ा सा उनको ये होता रे मेरा नाम नहीं है इसमें. तो वो बोलते अभी क्या करूं, वो बोलते पूछू क्या. तो फिर भगवान उनको पता चला, रे हनुमान क्या हुआ, थोड़ा ये लग रहे हो तुम, उदास लग रहे हो. तो बोलते नहीं ऐसा उदास नहीं भगवान, आपकी आपका जो दर्शन मिला और आपका सेवा तो उदास नहीं, बट खाली ये आपका बुक देखा ये आपके भक्तों का नाम का, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब मुझसे कुछ गलती वगैरह हो गई क्या. या तो भगवान रामचंद्र मुस्कुरा रहे थे, बोलते बोलते अरे ये बुक क्यों देख रहे हो, बोलते ये बुक देखो, बोलते इसमें है कि देखो. तो और एक बुक देते भगवान और उसमें देखते कि बड़ा बुक है लेकिन एक ही नाम लिखा है, वो है हनुमान जी का. और पूरे पन्ने में मतलब देखते पूरा ब्लैंक है लेकिन केवल एक नाम है हनुमान जी का. तो फिर हनुमान जी बोलते अरे भगवान इसमें और इसमें क्या फर्क है. तो बोलते ये जो बुक में जितने भी भक्तों का नाम है वो मेरा चिंतन करते रहते हैं, शुद्ध भक्त है और मेरा चिंतन करते, पर ये जो बुक है इसमें ऐसे भक्तों का नाम लिखा है जिसका मैं चिंतन करता हूँ, जिसके बारे में मैं सोचते रहता हूँ, और उसमें केवल हनुमान जी का नाम है. तो ऐसा जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान हमारा चिंतन करते हैं. तो एक्चुअली वो प्रभु मतलब महाराज वो बता रहे थे कि जब हम कुछ कार्य करते हैं और हमको सारे भक्त प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब हमको भगवान हमारे बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ऑलरेडी हमको अपना हमारा क्रेडिट मिलते जा रहा है. और जो भक्त सेवा करते जा रहे और कोई देख नहीं रहा है, किसी को पता भी नहीं, वो भगवान के ऐसे बुक में आ जाते जहाँ पे भगवान उनके बारे में सोच रहे. तो बोल रहे थे कि अगर आप सेवा कर रहे हो और आपके जय जयकार हो रही है तो सोच लेना कि हो गया, और जो कर रहे हो किसी को पता नहीं, भगवान जो है उसके बारे में सोच रहे. तो उनका कहने का ये था मतलब कि आप कभी कभी हमको लगता है मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं, किसी को मेरा नाम भी नहीं पता, किसी को तो हमको कभी कभी हम निराश हो सकते हैं, लेकिन नहीं, भगवान देख रहे और भगवान हमारे बारे में चिंतन कर रहे हैं. हरे कृष्णा. तो ये हनुमान जी इतने खुश हो जाते हैं उसके बाद में. धन्यवाद.